दोस्तों अभी विराट कोहली और बाबर आजम को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों एशिया कप 2023 के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीमों का स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। तो भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ खेला जाएगा और इसके लिए रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 की घोषणा कर दिया है। आखिरकार रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच को जीतने के लिए प्लेइंग 11 किस खिलाड़ी को शामिल किया गया और किस खिलाड़ी को बाहर किया गया बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का पहला एशिया कप मुकाबला कौन जीतेगा? नीचे कमेंट अपना राय बताइएगा। दोस्तों एशिया कप 2023 का मुकाबला वनडे फॉर्मेट में होने वाला है। इस टूर्नामेंट के मुकाबले में पाकिस्तान के साथ ही श्रीलंका में खेले जाएंगे। 30 अगस्त को टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में खेला जाएगा। 17 सितंबर को कोलंबो में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 6 टीमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल हिस्सा ले रही है। इसमें कुल 13 मुकाबले खेले जाएंगे। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के अलावा नेपाल की टीम भी है। ग्रुप बी में श्रीलंका और अफगानिस्तान है। सभी टीमें अपने ग्रुप की टीमों को एक एक मुकाबले खेलेंगे। इसके बाद ग्रुप में टॉप 2 पर रहने वाले सुपर 4 में पहुंचेंगे। यहां सभी टीमों को एक दूसरे के खिलाफ एक एक मैच खेलना होगा। सुपर 4 में टॉप पर रहने वाले दो टीमों के बीच किताबी मुकाबला खेला जाएगा। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 3 मुकाबले हो सकते हैं, जिसमें से भारतीय टीम का टक्कर 2 सितंबर को पाकिस्तान के साथ पहला मुकाबला होगा। इसके बाद 4 सितंबर को भारत और नेपाल की टक्कर होगी। अगर भारतीय टीम के साथ पाकिस्तान सुपर 4 में पहुंचता है तो वहां भी दोनों टीमों का टक्कर होगा। यह मुकाबला 10 सितंबर को कोलंबो में हो सकता है। इसके बाद अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती है तो एक बार फिर से 17 सितंबर को टक्कर होगी। और इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी बोर्ड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जिसमें से बाबर आजम को कप्तानी का जिम्मा दिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में रोहित शर्मा और सुमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। दोनों ही खिलाड़ी लंबे समय से वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नंबर 3 पर भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को उतारा जाएगा। इसके बाद मीडियम ऑर्डर में बल्लेबाजी की बात करें तो टीम इंडिया के लिए नंबर 4 पर फिर से श्रेयस अय्यर के बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अय्यर लंबे समय के बाद टीम इंडिया में वापसी किया है। श्रेयस अय्यर अनफिट होने के कारण भारतीय टीम से वो काफी लंबे समय से दूर रहा है और बड़े बड़े मैचेस में भी वो नहीं खिलाया गया है। इसके बाद नंबर 5 पर बात करें तो यहाँ खेलने के लिए सबसे बड़ा दावेदार केएल राहुल की है। हालांकि चीफ सेलेक्टर अजित गगरकर ने खुलासा किया है कि राहुल एक छोटी सी चोट लग गई है, जिसके चलते शायद वो पहले मैच में नहीं खेल सकते हैं। ऐसे में ईशान किशन को भी एक ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या होंगे और इसके साथ ही पांड्या को इस टूर्नामेंट के लिए वाइस कैप्टन के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा टीम इंडिया में रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर को बतौर ऑलराउंडर खेलेंगे। दोनों ही खिलाड़ी गेंद के साथ साथ बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन करते आए हैं। इसके अलावा कुलदीप यादव को भी टीम इंडिया में मुख्य स्पिनर के रूप में होगा और दो फास्ट बॉलर के साथ टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को भी शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा, सुमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज होगा। वैसे दोस्तों इस प्लेइंग 11 में आप किस खिलाड़ी को बाहर करना चाहेंगे और किस खिलाड़ी को शामिल करना चाहेंगे नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा। वीडियो साथ लाइक कर दीजिएगा और एशिया कप अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।